जय श्री श्याम मित्रों, स्वागत है अष्टवाश्रम में। आज बात करने वाले हैं रक्षाबंधन 2023 के लिए। बहुत कंफ्यूजन हो रहा है इस बार। रक्षाबंधन 30 तारीख को मनाया जाएगा, 31 तारीख को मनाया जाएगा, और अगर 30 को मनाया जाएगा तो क्यों मनाया जाएगा, और 31 को मनाया जाएगा तो क्यों मनाया जाएगा, इस पर बहुत बहस हो रही है। तो इस वीडियो को कन्फ्यूजन आप लोगों का दूर करने के लिए आप लोगों के मध्य लाया गया है। रक्षाबंधन 2023 कब मनाना है आपको, किस समय पर बहनें अपने भाइयों की राखी बांधेंगी उनकी कलाई पर, ये मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। ऐसा क्या हो रहा है 2023 के रक्षाबंधन पर जिसकी वजह से इतनी दिक्कतें आ रही हैं। जैसे लोगों का कहना है कि भद्रा है, भद्रा में राखी नहीं बांधी जाती, तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि भद्रा कौन कौन सी है और किस वजह से राखी जो है किस समय पर बांधना तय हुआ है। और अगर हम माने कि अपने जितने भी पंचांग हैं उनके अनुसार राखी किस समय पर बहनों को अपने भाई की कलाई पर बांधनी चाहिए, तो 2023 में जो कन्फ्यूजन है वो इस वीडियो को अंत तक आप देखेंगे तो आपका कन्फ्यूजन दूर होगा कि 30 को बांधनी है या 31 को बांधनी है, और अगर बांधनी है तो किस समय पर बांधना आपके भाइयों के जीवन में उन्नति लेके आएगा या भाइयों के जीवन में समृद्धि और स्वास्थ्य कष्ट से मुक्ति लेके आएगा, कि उनकी दीर्घायु और जिसके लिए आप बांध रही हैं उस मनोकामना में 100% लाभ होते हुए दिखें। वीडियो हमारा आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके राधे राधे लिखें। आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बहनों के लिए कि राखी कब बांधना शुभ रहेगा। तो 2023 में 30 अगस्त को पूर्णिमा है, 31 तक रहेगी, तो 30 अगस्त में अगर बांधनी है तो किस समय बांधें और 31 में बांधनी है तो कब बांधें, ये बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है। तो इस वीडियो में सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। भद्रा के समय पर राखी नहीं बांधी जा सकती, ऐसा लोगों का कहना है। तो आपको ये समझना पड़ेगा भद्रा होती कौन कौन सी है। भद्रा तीन तरीके की होती है। एक होती है स्वर्ग लोक की भद्रा, एक होती है पाताल लोक की भद्रा, और एक होती है पृथ्वी लोक यानी मृत्यु लोक की भद्रा। जब भी आपके रक्षाबंधन के समय पर इन तीनों में से कोई सी भी भद्रा लगती है तो माना जाता है कि भद्रा में राखी नहीं बांधी जाती। लेकिन यहां पर मैं कंफ्यूजन दूर कर दूं कि जब भी स्वर्ग लोक की भद्रा लगेगी राखी बहनें बांध सकती हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। जब भी पाताल लोक की भद्रा लगेगी तो भी राखी बांधी जा सकती है, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब जब पृथ्वी लोक की भद्रा लगेगी उस समय पर राखी बांधना अशुभ माना गया है। तो आपको यहां पे समझना पड़ेगा 2023 में जो भद्रा लग रही है वो पृथ्वी लोक यानी कि मृत्यु लोक की भद्रा है। इसलिए ब्राह्मणों का या ज्योतिषों का कहना है कि इस समय पर भद्रा के समय पर कोई भी राखी नहीं बांधी जा सकती। तो कब बांधे, आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि 30 तारीख की रात्रि में 9:02 से 31 तारीख की सुबह 7:05 तक राखी बांधने का शुभ समय है, और इसी बीच में राखी बहनों को भाई की कलाई पर बांधनी चाहिए। फिर दोबारा एक बार बता दूं, 30 तारीख की रात्रि यानी 30 अगस्त की रात्रि 9:02 से लेकर 31 अगस्त 2023 की सुबह 7:05 तक बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधें, कोई भद्रा का प्रभाव नहीं रहेगा, शुभ रहेगा। भाइयों के जीवन में उन्नति, उनके जीवन में लाभ, उनकी दीर्घायु, उनकी समृद्धि सब उनको समय पर मिलेगी। तो आपको यह ध्यान रखना है, किसी भी कंफ्यूजन में नहीं रहना है, क्योंकि इस बार पृथ्वी लोक की भद्रा है उस समय पर राखी नहीं बांधी जा सकती। तो राखी बांधने का समय थोड़ा सा इस बार अलग है, तो उस समय पर आप राखी बांधें, कोई समस्या नहीं है। वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके राधे राधे लिखें। आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।